मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। कैसे कैसे लूटते हैं आपको, और एक उदाहरण, नमक बनता है 15 पैसे किलो में, आपको बेचते हैं 7 रुपए किलो में। आपको मालूम है 15 पैसे किलो की चीज आप 7 रुपए किलो में खाते। अब 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाए, हिसाब जोड़ो, 15 पैसे की चीज 30 पैसे किलो में खाए, 100% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए में खाए, 1000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाए, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाए, इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लूट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है? क्योंकि दुनिया में, आपको गंभीर बात कह रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं, उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यही बेचा जा रहा है और जबरदस्ती सबको खिलाया जा रहा है।